आई हैव मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, स्वाइप करो पेमेंट हो गया। पैसे तो तू ही पे करेगा। ओह डैडी। हाँ डैडी, मैं ही पे करूंगा। 40 दिन का टाइम है, पे नहीं किया तो ईएमआई में बदल देंगे। डोंट वरी डैडी, आजकल अपडेट रहेंगे तो ही सोसाइटी में इज्जत रहेगी, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएंगे, समझ रहे ना। क्रेडिट कार्ड के कंट्रोल में आप ना जाएं, क्रेडिट कार्ड आपके कंट्रोल में हो। कार्ड है सोचकर अनाप शनाप नहीं खरीदना चाहिए, ये एक बड़ी परीक्षा है। अब देखिए, अगर आपके हाथ में 1,000 या 1,500 रुपए हो तो आप उतने में ही शॉपिंग करके लौटेंगे, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड लेकर जाएंगे तो आपका बजट 10-20 हजार में चला जाएगा। मैं थोड़ा बिजी हूँ, चर्च जा रही हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्यों बेटी, तैयार हो गई? मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ, सुनिए। मैं तैयार हो गया। ओके, अब चलें। शिवा, आज चर्च जाने के बाद किसी बढ़िया से 5-स्टार होटल में जाके लंच करेंगे, उसके बाद गोपाल शोरूम में 30% डिस्काउंट चल रहा है, वाव, वहां हम तीनों जाके शॉपिंग करेंगे, ठीक है ना? फिर एक मूवी देखकर, फेमस होटल में बिरयानी खाकर घर आएंगे। दिस इज द प्लान, आर यू हैप्पी? अरे बाप रे, मैंने तो खाना बना दिया है, उसका क्या करें? ओहो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कल नौकरानी आएगी ना, उसे दे देंगे, ओके? हाँ, ओके ओके। क्यों बेटे, कल ही तो होटल में खाना खाया, आज फिर से जा रहे हो? डैडी, वीकेंड है, जॉली से सेलिब्रेट करेंगे। वीकेंड है लेकिन मंथ एंड नहीं है, तू ये बात समझ ले। डैडी, मैं कैश नहीं पे करने वाला हूँ, जस्ट वॉच दिस, आई हैव मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, स्वाइप करो पेमेंट हो गया। पैसे तो तू ही पे करेगा। ओह डैडी। हाँ डैडी, मैं ही पे करूंगा, 40 दिन का टाइम है, पे नहीं किया तो ईएमआई में बदल देंगे। डोंट वरी डैडी, आजकल अपडेट रहेंगे तो ही सोसाइटी में इज्जत रहेगी, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएंगे, समझ रहे ना। बेटे लेकिन, पिताजी आप कुछ मत बोलिए, आप चल रहे या नहीं? मैं नहीं चल रहा, मैं चर्च से सीधे बस पकड़कर घर आ जाऊंगा, घर में जो बना है वो खा लूंगा, वही काफी है, मुझे रहने दो, तुम लोग जाओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शिवा, चलो हम चलते हैं। माय गॉड, शिवा, हाँ, ये क्या, इस महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल 1.5 लाख, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ मैंने भी देखा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इस महीने अपनी सैलरी में से ये क्रेडिट कार्ड का बिल भर दो। ये क्या कह रहे हो, ऑलरेडी कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, सारे लोन मेरी सैलरी से ही भरे जा रहे हैं। मेरा अकाउंट चेक करके देख लो, नाम के लिए 80,000 की सैलरी है जो कि बहुत कम है, हाथ में 3,000 रुपए ही बचते हैं। तो अब क्या करूं? ऑफिस से एडवांस नहीं ले सकता, सारे बैंकों से लोन ले चुका हूं। यस, मूर्ति। संतोष, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं, डोंट वरी, मैं दे दूंगा। थैंक्स। सब लोगों से 10% लेता हूं, तुम 5% दोगे चलेगा। वाओ, थैंक यू। लेकिन सैलरी मिलते ही इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। हाँ दे दूंगा ना, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ सर बोलिए ना। हाँ हाँ सर, ये आप क्या बोल रहे हैं, एकदम से ऐसा करेंगे तो? सर इस महीने नहीं तो अगले महीने अचीव कर लूंगा ना। सर टारगेट बड़ी बात नहीं है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आई कैन डू इट। सर मार्केट कितना डाउन चल रहा है आपको पता है ना। सर 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 आई कांट, मैं दूसरा जॉब नहीं ढूंढ सकता सर। क्या हुआ संतोष,
क्लाइंट मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? मार्केट ही डाउन है तो इसमें मैं क्या करूं? इस कंपनी के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, डे एंड नाइट काम करके कमा के दिया, अब कह रहे काम नहीं है, बोल रहे नया जॉब ढूंढ लो। लेकिन तुम इस बारे में चिंता मत करो, महीने महीने तुम्हारा ब्याज तुम्हें मिलता रहेगा। सॉरी संतोष, मेरे उधार का आधार तुम्हारी नौकरी और सैलरी ही है। जब वो दोनों ही नहीं होंगे तो मैं कहां से दे पाऊंगा? आई एम हेल्पलेस। मूर्ति भैया प्लीज ऐसा मत करो ना। आई एम सॉरी यार। कहां जाएगा, इधर से ही निकलेगा ना। हाँ, बच के कैसे जाएगा। ए, आगे आगे चल, रोक रोक रोक, ए आजा आजा, ए, ए, रोक, ए, रुक जा रोक, रुक जा रुक जा, चले बाहर निकलना, आजा शाने, तेरा ही वेट कर रहे थे। अरे तुम लोग हो कौन? क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो पैसा भी भरना चाहिए ना। कार्ड के झक मारने के लिए स्वाइप किया था। देखो भैया, यहाँ सब फैमिलीज रहती हैं, यहाँ कोई बखेड़ा मत करना, मैं पैसे भर दूंगा प्लीज। ए, पैसे लेके भर नहीं सकता तो तेरी इज्जत काहे की। ए, गाड़ी उठा इसकी। हाँ, चल चल उठा उठा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसे भरने की औकात नहीं है, गाड़ी रखता है, शॉपिंग करता है। भागने वाला गाड़ी निकाल, बेकार में हंगामा क्यों कर रहे हो? सर प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। बकवास बंद कर, गाड़ी बेच के लोन का पैसा भरना चाहिए मुझे। ऑफिस जाने बहुत देर हो रही है, जाने की जरूरत नहीं है। हेलो, रुक जाओ, क्या बात हो गई? तू कौन है? मैं संतोष का फादर हूँ। ऐसी औलाद से तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए। देखो जो भी बोलना मुझे बोलो, मेरे पिताजी को कुछ मत बोलना, ठीक है? अरे वाह रे वाह, इससे तो गुस्सा भी आता है। अगर इतनी इज्जत है तो पैसा क्यों नहीं भरता? सुनो, मेहरबानी करके यहाँ बखेड़ा मत करो प्लीज, मुझे एक घंटे का टाइम दो, मैं बैंक का सारा पैसा भर दूंगा। ए, इसका बाप जबान दे रहा है, चलो चलते हैं। तेरे पास एक घंटे का टाइम है। हाँ पिताजी। बस बस कुछ मत बोल। ये सब इस क्रेडिट कार्ड के वजह से हुआ है। इसी हाथ से। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, तुम मेरा हाथ छोड़ो। इसी हाथ ने क्रेडिट कार्ड यूज किए, इसी हाथ की वजह से पिताजी का अपमान हुआ। इस हाथ ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ मुझे। अगर तुमसे गलती हुई है तो गलती मुझसे भी हुई है। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। लेकिन मैं बुद्धिमान नहीं, मैंने भी पाप किया है तो मेरा भी भात जलना चाहिए। छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसा मत करो। सब मैंने किया, तुम्हें अपना हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। हाथ जलाने से सब ठीक हो जाएगा पिताजी। उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी, हमसे पाप हुआ, हमें एहसास हो गया। अच्छी बात है, अब हम कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे, हमें बस इस बार क्षमा कर दो पिताजी। मैं क्षमा करने वाला कौन? जाओ प्रभु से क्षमा मांगो। हाँ जरूर पिताजी, हम लोग प्रभु से आंसू बहा के रो के क्षमा मांगेंगे, आप भी क्षमा कर दो। ठीक है सुनो, तुम्हारा उधार मैंने चुका दिया है, एक पैसा भी बाकी नहीं। पिताजी लेकिन कैसे? मैंने किसी से भी कर्जा नहीं लिया, मैंने अपने अकाउंट में पीएफ और पेंशन का पैसा जमा करके रखा था, वो सब भर के उधार चुका दिया। अब भूल से भी कर्जा मत लेना, फिजूल खर्चा नहीं, प्रभु को दशमांश भी देना, प्रभु तुम्हें आशीष देंगे। ठीक है पिताजी। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप अच्छे हैं ना? प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत चाहते हैं, इसीलिए वो आपको समझकर आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं। एक बढ़िया ड्रामा आपने देखा ना, वचन क्या कहता है, नीति वचन, उसका 22वां अध्याय 7वें वचन में उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। ये जो दासत्व होता है शैतान द्वारा होने वाली क्रिया है। पाप मनुष्य को अपना दास बना लेता है, भय मनुष्य को अपना दास बना लेता है,
दुष्ट आत्माओं की क्रियाएं मनुष्य को दास बना लेती हैं, ठीक वैसे ही उधार मनुष्य को अपना दास बना लेता है। और इस दासत्व के पीछे होता है शैतान, क्योंकि वो मनुष्य को अपना दास बनाकर दुख पहुंचाना चाहता है। तो ये उधार लेना भी एक तरह का दासत्व है। वचन में कहा गया है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। इसीलिए कुछ लोग घबराते रहते हैं कि कहीं कर्जदार ना आ जाए, उधार के पैसे लेने आ जाएगा, इस बात का डर। एक बार देखिए, एक पति पत्नी आए, उनके पहनावे को देखकर लग रहा था कि घर से निकले उन्हें कई दिन बीत गए होंगे। क्या बात है, जब पूछा तो कहा प्रार्थना करनी है। किस काम के लिए करनी है पूछा तो उधार, कर्जे में फंस गए हैं, इसलिए ना दुकान खोल पा रहे हैं, ना घर में रह पा रहे हैं, यहाँ वहाँ बस भटक रहे हैं। ऐसे भटकने से उधार चुकता हो जाएगा? देखिए, कर्ज की समस्या ने उनका घर में रहना मुश्किल कर दिया। ये दासत्व है। उधार देने वाला वापस मांगता है ना। कोई भी मनुष्य किसी बैंक से या कहीं से भी कर्जा लेता है तो वो कर्जा मनुष्य को अपना दास बना लेता है। आज अनेक लोग अपने जीवन में इस कर्ज की समस्या के दासत्व में फंसकर दुख उठा रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। अब आप अपने जीवन में जरा सोच कर देखिए, जो पगार लेते हैं उसमें सारा पैसा ब्याज में ही चला जाता है। इसका मतलब आपके जीवन में सच्चा आशीर्वाद नहीं है, आपको उससे बाहर निकलना होगा। सबसे पहले कर्ज की समस्या के दासत्व से बाहर निकलने के लिए आप मेल मिलाप करें। तो प्रभु छुटकारा दिलाए तो क्यों दिलाए, सोचना चाहिए। कर्जा किस लिए हुआ? क्योंकि कई बार अचानक से कोई अस्पताल का खर्चा आ गया, या अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ गया जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाता है, वो बात अलग है। दिखावे का खर्चा, बेकार का खर्चा, ऐसे कर्ज की समस्या में फंसने वाले अनेक लोग हैं। अपने व्यावहारिक जीवन में आपकी पगार कितनी है उसके हिसाब से खर्चा करें। एक योजना बनाएं कि पगार कितनी है, कितना खर्चा है, जो भी खर्चा है उसकी लिस्ट बनाकर। क्या आप परिवार चला रहे हैं? आप जो पैसा आता उसकी लिस्ट बनाते हैं कि इतना पैसा आया, और क्या क्या जरूरी खर्चे हैं उसकी सबकी लिस्ट बनाकर खर्चा करते हैं, जरा सोच कर देखिए। डेली होटल में जाना, डेली खर्चा करना, तो क्या बाहर खाना नहीं खाना चाहिए? नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। महीने में एक आध बार जा सकते हैं, अपनी कमाई के हिसाब से जा सकते हैं, लेकिन डेली होटल में खाकर बेकार का खर्चा करके उससे कर्ज की समस्या पैदा हो जाती है ना। दिखावे का खर्चा, कमाई से ज्यादा खर्चा, सोच कर देखिए। या किसी की सहायता करनी है सोचकर गलत इंसान की सहायता करके कर्ज की समस्या में फंस जाते हैं। ऐसा जो भी कारण हो उस बारे में आप जरा सोच कर देखिए। ज्यादातर लोगों का कर्ज की समस्या में फंसने का कारण होता है क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड सिस्टम के आने के बाद बहुत सारे लोग कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सोचा, मेरे पास भी एक क्रेडिट कार्ड है, लेकिन जब मैंने सोच के देखा कि इस क्रेडिट कार्ड के जरिए जब हम शॉपिंग करना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि इतने का खरीदना है, लेकिन खरीदते समय दुगना तिगना खरीद लेते हैं कि कार्ड से खरीद रहे हैं बाद में चुका देंगे। हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता है, इसलिए आप लोग बिना कुछ सोचे समझे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें। जब कोई रास्ता न सूझे उस समय इस्तेमाल करने के अलावा हमारे हाथ में जितने पैसे हैं उस हिसाब से शॉपिंग करें, सामान वगैरह खरीदें, ऐसी आदत डालें। इसलिए क्रेडिट कार्ड के कंट्रोल में आप ना जाएं, क्रेडिट कार्ड आपके कंट्रोल में हो। कार्ड है सोचकर अनाप शनाप नहीं खरीदना चाहिए, ये एक बड़ी परीक्षा है। अब देखिए, अगर आपके हाथ में 1,000 या 1,500 रुपए हो तो आप उतने में ही शॉपिंग करके लौटेंगे, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड लेकर जाएंगे तो आपका बजट 10-20 हजार में चला जाएगा, और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी, दास बन जाएंगे। तब पता नहीं चलेगा, जब वो पैसा चुकाने का वक्त आएगा और पूरी पगार उसमें चली जाएगी तो पैसे जाने के बाद आपको एहसास होगा। इसलिए इस तरह से हैंडल करते समय आप सावधान रहें। हर काम के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना और जो मन करे सामान की खरीदारी करना, इस आदत से हमें तुरंत छुटकारा पाना होगा। और इस तरह के कार्यों में आपको बहुत सावधान रहना है। तो क्या आप बेकार का खर्चा कर रहे हैं, दिखावे के लिए खर्चा कर रहे हैं? जरा सोच कर देखिए, इस कर्ज की समस्या में हम क्यों घिरे हुए हैं? आज अनेक लोग
जो यीशु के संतान कहलाते हैं वो भी कर्ज की समस्या में फंसे हुए हैं और ये एक बहुत भारी बोझ है कहते हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है। अब जैसे आम तौर पर कोई मकान खरीदता है, गाड़ी खरीदते हैं, मंथली उसका ड्यू भरते हैं, योग्यता के अनुसार अगर आप भर सकते हैं तो कोई बात नहीं, घर अपना हो जाएगा, गाड़ी अपनी हो जाएगी, क्योंकि एक साथ पूरा पैसा नहीं दे सकते, वो भी अपनी पगार के हिसाब से। तो इसमें एक चीज आपकी हो जाती है, लेकिन दिखावे के लिए खर्चा करना, बिना जरूरत के कपड़े खरीदना, बिना जरूरत का सामान खरीदना, ये समस्या खड़ी होती है क्रेडिट कार्ड से। अब आप अपने आप से पूछें कि कर्जा क्यों हुआ? क्या कभी आपने सोच के देखा है? कभी आपके दिमाग में आया? तो ये बात सोचनी चाहिए कि किस वजह से हमारे ऊपर कर्जा हुआ, कहाँ खर्चा किया, कहाँ हमसे गलती हुई, ये सोचना चाहिए। हमें कर्ज की समस्या में फंस कर हमारे आशीर्वाद को छीनना ये शैतान की क्रिया है। हम अनजाने में ही उसे जगह दे देते हैं। अब देखिए, अचानक से आपको किसी बैंक से फोन आ जाता है कि आपको कितना लोन चाहिए, हम देंगे। कईयों को अगर कोई लोन देने के लिए कहता है तो उसके आगे पीछे सोचते नहीं है, न ये सोचते हैं कि इसे वापस लौटाना है, तुरंत ले लेते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है। कोई विवाह का कार्य है या इमरजेंसी आ जाती है तो तुरंत कर्जा, किससे मांगू, कहां से लेकर आऊं, कितना ही टका ब्याज हो दे दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो आदत है ये अच्छी नहीं है। तो जरूरत के वक्त क्या करें? प्रार्थना करें। आपको आवश्यकता है, इस महीने में अचानक से अस्पताल का ये खर्चा आ गया है, विवाह का कार्य है, एक्स्ट्रा खर्चा आ गया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने पैसों की जरूरत है। ये अचानक नहीं होता, कई महीने पहले पता चल जाता है कि बच्चे की फीस भरनी है, अगले साल बच्चे को स्कूल में डालना है, इतने पैसे होंगे तो ही डाल पाएंगे, ये जानते हैं ना। लिख के रखिए क्या क्या आवश्यकता है सपरिवार। प्रार्थना करें, उपवास रखें, हे प्रभु हमारी ये आवश्यकता है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को इस कॉलेज में भर्ती करना है, फीस भरनी है। पहले परमेश्वर के समूह में ये बताने की आदत डालें, यीशु पर विश्वास रखने की आदत डालें। एकदम से किससे पैसे मांगूं, कौन उधार देगा, किसके द्वारा पैसे मिल पाएंगे, हम प्रभु को खोजने के बजाय मनुष्यों को खोजते हैं, बैंकों में जाते हैं, इंसानों के पास जाते हैं, कर्जा देने वाले के पास जाते हैं, ये सब पाप हैं। हम प्रभु को न खोजकर, यीशु पर विश्वास न रखकर मनुष्यों पर विश्वास रखना ये एक पाप है, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए मन मुताबिक खर्चा करना ये भी एक तरह का पाप है, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए कृपा करके सोच कर देखिए, आपके जीवन में इतने कर्जे का जिम्मेदार कौन है। आप अपना मन फिराएं, प्रभु बेकार का खर्चा किया, दिखावे के लिए मैंने खर्चा किया, ये बात मान लें। ज्यादातर मसीही क्रिसमस के आते ही उसके लिए जो कर्जा लेते हैं पूरे साल उसे चुकाते रहते हैं, अगली बार क्रिसमस आने पर फिर से क्रिसमस के लिए कर्जा। कर्जा लेकर दिखावे के लिए कपड़े खरीदना क्या सही है? अपनी हैसियत के हिसाब से कपड़े खरीदकर यदि आप चर्च जाएंगे तो क्या प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेंगे? प्रभु क्या दिखावे के कपड़े पहनकर आने के लिए कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कृपा करके गलती को स्वीकार के अपना मन फिराएं। कर्ज के बोझ से दबे आप लोगों को छुटकारा चाहिए, उसके लिए आज ही हे प्रभु मेरी गलतियों से कर्जा हुआ है ये स्वीकार के मन फिराएं। अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब हर जरूरत पर तुम पर विश्वास रखूंगा, बेकार का खर्चा, दिखावे का खर्चा नहीं करूंगा, क्रेडिट कार्ड का मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करो बोलकर आप मेल मिलाप करेंगे तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आजकल किसी से पूछो कि कैसे हो तो प्रभु की कृपा से मैं अच्छा हूँ ऐसा कहते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो कहते हैं कि मुझ पर कोई कर्जा भी नहीं है ब्रदर, कितनी खुशी की बात है ना। तो इस तरह के बहुत से लोग रह रहे हैं, प्रभु ने मुझे कर्जा नहीं लेने दिया, प्रभु ने मुझे आशीर्वादित रखा हुआ है, जो पगार मिलती है उसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये प्रसन्नता से भरा जीवन है। तो आज आपके कर्ज की समस्या में फंसने का कारण क्या है इसकी जांच करके उसे स्वीकार के मन फिराएं कि अब से ये उधार लेकर इसकी आदत में मैं नहीं फंसूंगा, प्रभु बेकार खर्चे को स्थान नहीं दूंगा, मैं मेल मिलाप करता हूँ ऐसा कहें, अवश्य प्रभु आपकी सहायता करेंगे। अपना मन नहीं फिराएंगे, एहसास नहीं करेंगे तो प्रभु आपकी सहायता नहीं करेंगे, बल्कि आप बार बार वैसी ही गलती दोहराएंगे। इसलिए मेल मिलाप करेंगे ये एक तरह का पाप है ऐसा मानेंगे ना, आप सीरियसली लें इसे, साधारण आदत ना समझें, ये एक पाप की आदत है। ये जान लें आप इससे प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं, बेकार का बोझ आपके कंधों पर आता है, आप दासत्व में घिर जाते हैं,
मेल मिलाप करेंगे, प्रार्थना करें। अब से क्या करना है, जितना भी उधार लिया है वो पेपर पर लिखकर सप्ताह में एक दिन उपवास रखकर सब परिवार प्रार्थना करें, ठीक है? शुक्रवार के दिन रात में उपवास रखकर प्रार्थना करें। इस दिन मैं भी अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु अवश्य चमत्कार करेंगे, इसलिए बिना चूके रेगुलर प्रार्थना करें। अब हम प्रार्थना करें, प्रभु से मेल मिलाप करें। परमपिता, आज जो भी भाई जो भी बहन मैं ऐसे कर्ज की समस्या में फंस गया या फंस गई हूँ, मेरे पाप क्षमा करो। दिखावे का खर्चा, बेकार का खर्चा, बिना किसी योजना के कार्य किए, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैंने जानबूझकर मेरी जो कमाई है उसकी हैसियत से मैंने खर्चा नहीं किया, अपने मन मुताबिक खर्चा किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो प्रभु। इन पैसों के कार्यों में सोचे बिना ही क्रेडिट कार्ड का बार बार इस्तेमाल करके कर्जा ले लेकर मैं उसमें फंस गया हूँ, मेरे इस पाप के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा बोल के मेल मिलाप करके प्रार्थना करने वाले इस बहन को देखिए, इस भाई को देखिए, तरस खाने वाले पिता, इसी समय अपने बच्चों पर तरस खाकर इनके पाप क्षमा कर दो और इस संकट से इन्हें छुटकारा दिलाओ। इस कर्ज की समस्या, कर्ज के दासत्व से इन्हें छुटकारा दिलाकर प्रसन्न करो। कलवरी क्रूस पर लहूलुहान होकर तुमने स्वयं की बलि चढ़ाई, ये ध्यान कराओ। इस संकट से छुटकारा दिलाकर प्रसन्न करो। यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। ये इस संकट से छुटकारा पाकर बिना कर्ज के तुम्हारी संतान बनकर जीवन जिए, वैसा इन्हें आशीर्वाद दो। मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी संतान ज्ञानी संतान बने, यीशु की सलाह मानकर बेकार का खर्च न करने वाली संतान बने। प्रभु तुम्हारी संतान तुम्हारे वचन अनुसार चले, वैसे इन पर कृपा करो, आशीर्वाद दो। ऐसे ही किसी समस्या या उलझन के दासत्व में फंस कर ये बच्चे निराश हैं, तो हर एक समस्या से इन बच्चों को छुटकारा मिलना चाहिए, इनका दासत्व दूर हो जाए, उसके डर से इन्हें छुटकारा मिल जाए, इनके जीवन में संतुष्टि और प्रसन्नता दिखाई पड़नी चाहिए, इनकी कमाई को आशीर्वाद देकर उसमें से बचत करके सही से खर्च करने के लिए इन्हें आशीर्वाद दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमेन आमेन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। विश्वास में दृढ़ बने रहें, निराश ना होएं। एक पेपर ले लें और किस किस का कितना कर्जा चुकाना है साफ साफ लिखें, उसे रखकर प्रार्थना करें, सह परिवार प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। अब से मैं कर्जा नहीं लूंगा, बेकार का खर्च नहीं करूंगा, निर्णय के साथ प्रार्थना करें। अब अपनी हैसियत के हिसाब से संभाल के खर्च करेंगे, ऐसा बोल के मेल मिलाप करें, आश्चर्यजनक परिवर्तन देखेंगे। बिना कर्ज का खुशहाल और आशीर्वादित जीवन आप जिएंगे, यीशु उसके लिए आपको आशीष दें, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 0443545455. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.